Okay, welcome to the new video, students. Today we are going to see the next kingdom, okay, the kingdom Protista. In the previous class, I have told you regarding the properties of kingdom Monera, in which we have seen different bacteria, है ना? यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, वो मैंने उसके अंदर तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है. अब हमको देखना है उसके आगे का एक किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा. सो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा ये एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. मोनेरा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म वहाँ भी प्रेजेंट है और एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म यहाँ भी प्रेजेंट है. इट मीन्स ये सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा के कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड होते हैं ना. तो वी कैन राइट हियर दे आर यूनिसेलुलर. ठीक है, पहला तो पॉइंट यही हो गया हमारा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा दे आर यूनिसेलुलर. ठीक है ना. ओके, वेट अ मिनट. ओके, सो यूनिसेलुलर है बट डिफरेंट, एक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, वहाँ भी यूनिसेलुलर या भी यूनिसेलुलर, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि दीज ऑर्गेनिज्म दे आर यूकैरियोटिक, है ना. यूकैरियोटिक होते हैं ये. यूकैरियोटिक मींस दे आर हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है, वहाँ पे जो किंगडम मोनेरा था वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, है ना. बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, सेल ऑर्गेनेल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन ये यूकैरियोटिक है यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ, है ना. तो सिर्फ डिफरेंस यही है कि वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल है और यहाँ पे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स है. ठीक है, अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं. वी हैव क्लासिफाइड दिस किंगडम प्रोटिस्टा इनटू फाइव ग्रुप, फाइव डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहला जो ग्रुप है, इट इज़ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. यहाँ पे देखेंगे आप तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, इट मीन्स दे रिजेंबल्स प्लांट. मीन्स सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की ये होती है कि दे आर ऑटोट्रॉप. तो ये भी क्या है, ऑटोट्रॉप है. ठीक है, ऑटोट्रॉप कैसे, बिकॉज दे आर हैविंग एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना खुद का फूड मटेरियल तैयार कर सकते हैं प्लांट के जैसा ही, इसीलिए इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोला हुआ है. दे आर ऑफनली कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स. इनको एक और शब्द नाम है, दैट इज क्राइसोफाइट्स. ठीक है ना, ओके, क्राइसोफाइट भी बोलते हैं इनको. मोस्टली दे आर एक्वेटिक एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्ट वाटर, है ना. दैट इज वाई दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन, दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन वाटर. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे इनको. इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है डायटम्स. सी, डायटम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ टू बॉक्सेस, है ना. एक बॉक्स होता है उसके ऊपर दूसरा बॉक्स प्रेजेंट रहता है ना. सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है. कैसा होता है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये डायटम का. ठीक है, ये क्या होते हैं, और मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, है ना. ओके, उसके बाद में इनकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इट कंटेन्स सिलिका. इसके अंदर जो है वो सिलिका प्रेजेंट हो रहता है. वो सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से इट अपीयर्स वेरी रफ. रफ सरफेस इनका होता है ना. और ये डायटम्स जब डेड हो जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो समुद्र के अंदर क्या होते हैं, ये बॉटम के ऊपर, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. जब ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो जो सॉइल होती है वहाँ की, वो जो अर्थ होती है, दैट अर्थ इज नोन एज डायटोमैशियस अर्थ. उसको बोलते हैं हम डायटोमैशियस अर्थ. इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज दीज डायटोमैशियस अर्थ,
है ना, और ये डायटम्स दे आर यूज्ड इन पॉलिश एंड पेंट्स। पेंट के अंदर तुमने देखा होगा रफनेस होती है ना, तो ये रफनेस होती है किसकी वजह से, डायटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए उसके अंदर क्या होती है वो रफनेस होती है, और पॉलिश वगैरह के अंदर भी ये यूज होती है, ठीक है ना। तो ये डायटम हो गया पहला प्रकार है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा का, सबके सब क्या है एक्वेटिक है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर अगेन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर बट दे आर सिमिलर विथ एनिमल्स, एनिमल के जैसे इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, इनको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर थिंग्स फॉर देयर फूड मटेरियल, है ना, इसलिए इनको क्या बोला हमने हेटेरोट्रॉप्स बोला है। फॉर एग्जाम्पल एंड फर्दर मोर दे आर हैविंग लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया, इनके अंदर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी अगर मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल दूँ तुमको तो डैट इज अमीबा, ठीक है, उसके बाद में एंटा अमीबा, उसके बाद में पैरामेशियम, ये सारे एग्जाम्पल जो है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। लोकोमोटरी ऑर्गन मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया और दे मे कंटेन सीलिया, ठीक है, सम ऑफ देम आर हैविंग सीलिया एंड फ्लैजेला ऑल्सो, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बता रहा था स्यूडोपोडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर अमीबा देखेंगे अपन तो अमीबा कोई टिपिकल शेप इसका होता नहीं है, ऐसा इसका एक अमीबा का शेप है, तो ये जो आर्म्स तैयार होते हैं ये आर्म्स को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। पोडिया का अर्थ होता है लेग्स, पोडिया का अर्थ क्या होता है लेग्स, एंड स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो ये फॉल्स लेग्स तैयार करते हैं मूवमेंट करने के लिए, और वो फॉल्स लेग्स ये हेल्प करते हैं इनको क्रॉलिंग मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, क्रॉलिंग मूवमेंट करने के लिए ये यहाँ पे अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया तैयार होते हैं, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड पैरामेशियम, इसके ऊपर तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हो गया। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट, ये थर्ड टाइप का जो है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का ग्रुप है। डाइनोफ्लैजेलेट्स दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे आर हैविंग एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मीन्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक प्लेट्स की बनी हुई रहती है। इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, है ना, दैट मे बी ग्रीन, दैट मे बी येलो, दैट मे बी ब्लू, है ना, तो डिफरेंट कलर के पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट इज गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स, ये जो एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, दिस इज फाउंड इन सी, समुद्र के अंदर ये जो है मिलता है, एंड दे आर हैविंग रेड पिगमेंट, क्या रहते हैं इनके अंदर रेड पिगमेंट रहता है, तो ये रेड पिगमेंट की वजह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूरा का पूरा समुद्र का पानी अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा समुद्र क्या होता है रेड दिखता है ना, और जो लहरें आती है वो भी रेड हो जाती है ना, तो दैट इज नोन एज रेड टाइड, ठीक है, रेड टाइड इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ डायनोफ्लैजेलेट, इट्स नेम इज गोनियोलेक्स, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है और ये रेड पिगमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र ही रेड हो गया, है ना, बात ख्याल में आई, ये बात याद रखना।
अभी जैसे हमारे लोनार लेक ये पिंक हो गई थी, है नहीं? क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक अलगी डेवलप हुए थे जो कि वो कलर तैयार करते हैं, है ना, पिंक कलर का पिगमेंट तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पूरा वाटर क्या होने लगा, पिंक अपियर होने लगा था। बात ख्याल में आई? तो ये कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से वो पूरा का पूरा पानी उस तरीके का दिखाई देने लगता है, है ना। बात ख्याल में आ गई? नहीं। ये हुआ डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। उसके बाद में फोर्थ टाइप का जो प्रोटिस्टा का ग्रुप है, दैट इज फंगी लाइक प्रोटिस्टा। फंगी लाइक प्रोटिस्टा दे आर, पहली बात तो ये कि हेटेरोट्रॉप, मीन्स उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो खुद की फूड मटेरियल तैयार करे, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और ये फूड मटेरियल डेड और डिकेइंग मटेरियल से वो निकालते हैं। उनका जो फूड होता है वो क्या है, डेड और डिकेइंग डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है। डेड डिकेइंग डिकम्पोजिंग मटेरियल, ये इसके ऊपर जो लोग जगते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जगते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट, है ना। ओके। दे फॉर्म प्लाज्मोडियम ऑन द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस होता है उसके ऊपर ये प्लाज्मोडियम बना देते हैं। देखो, प्लाज्मोडियम एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। मलेरिया ये का पैरासाइट है, उसका भी नाम प्लाज्मोडियम है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडियम का अर्थ क्या है, प्लाज्मोडियम का अर्थ हो रहा है एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। वो प्लाज्मोडियम तैयार कर लेते हैं किसका, फंगस का प्लाज्मोडियम बात कर रहे हैं अपने, फंगस लाइक प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये प्लाज्मोडियम बना रहे हैं। इनको जो है वो जनरली एक ग्रुप में इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है मिक्सोमाइसिटस ग्रुप, ठीक है ना। मिक्सोमाइसिटस ग्रुप में इनको इंक्लूड किया गया है। दे फॉर्म स्पोर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड दैट स्पोर्स दे आर हैविंग वेरी टफ लेयर। इनके ऊपर की जो स्पोर्स होते हैं, तो स्पोर की लेयर कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा टफ रहती है। ये टफ स्पोर होने की वजह से दे कैन विदस्टैंड हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशन मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस, लैक ऑफ फूड मटेरियल, लैक ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सच कंडीशंस आर नोन एज हार्श कंडीशंस, है ना। जो अनफेवरेबल कंडीशन भी बोलते हैं इसको, नॉन सूटेबल कंडीशन भी बोलते हैं इसको। तो ये हार्श कंडीशन को सर्वाइव करता है किसकी वजह से, टफ लेयर की वजह से जो कि उसके स्पोर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। बात ख्याल में आ गई? ये हो गया फंगी लाइक प्रोटिस्टा। इसके बाद में लास्ट फिफ्थ वाला जो हमारा किंगडम है, प्रोटिस्टा का ग्रुप, किंगडम प्रोटिस्टा का ग्रुप है यूग्लिनोइड्स। सी दीज आर अगेन एक्वेटिक इन नेचर। ये एक्वेटिक होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी सेल वॉल। इनमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे आर हैविंग वन कवरिंग। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटेनियशियस कवरिंग, प्रोटेनियशियस लेयर एक उसके अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इनका है यूग्लिना, यूग्लिना है, ठीक है। दे कंटेन फ्लैजेला फॉर देयर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। मोर मोर टू दैट दे आर हेटेरोट्रॉप, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप, और समटाइम दे मे बी ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप अगर फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है इनको रेडीमेड, तो इनके पास में पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके पास, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये खुद क्या कर सकते हैं, ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, प्लांट के अलावा एकाध एग्जांपल ऐसी बताओ जो एनिमल हो और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता हो, तो वो है यूग्लिना। क्या है वो, यूग्लिना, याद रखना। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी, बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज यूग्लिना। नाम क्या है उसका, ये नीट के लिए याद रखना, ठीक है, या जनरल नॉलेज में तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में कहीं पे पूछ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा पांच अलग अलग टाइप के ग्रुप्स विच बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टिल देन गुड बाय।